हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका एसपी स्टडी क्लासेस के एक और बेहतर वीडियो में। तो कैसे हो आप सब और कैसे चल रही है आपकी स्टडी? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी स्टडी एकदम शानदार चल रही होगी। तो बच्चों, आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 केमिस्ट्री के बारे में। क्लास 12 केमिस्ट्री का आज का वीडियो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इसमें बात करने वाले हैं कुछ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो आपके बोर्ड परीक्षा में क्या होते हैं साल दर साल या बोर्ड परीक्षा में हर साल आते रहते हैं। उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। 4 से 5 क्वेश्चन जो है, जो आपके बोर्ड एग्जाम 2024 के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उन सारे क्वेश्चंस को हम डिस्कस करने वाले हैं। बस आपको एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से समझिएगा और कॉपी पर लेकर बैठिएगा, ताकि आप जल्दी से नोट डाउन करते हुए हमारे साथ में चलेंगे। और सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल समझते हुए चलना है, कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए चलना है। हम आपको एक एक क्वेश्चन का स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए चलेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है हेनरी का नियम समझाइए तथा इसके उपयोग और इसके अनुप्रयोग। मान लीजिए उपयोग या अनुप्रयोग की हम बात करें, तो हेनरी का नियम क्या होता है? पहली बात तो ये आपको पता होना चाहिए, फिर दूसरी बात आपको हेनरी का नियम के उपयोग पता होना चाहिए, कहां पर इसका उपयोग होता है। तो हम सारी चीजों पर डिस्कस करेंगे, आपको बेचिंत रहना है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं हेनरी का नियम, तो हेनरी का नियम कहता है अगर ताप स्थिर है, दाब स्थिर है, तो उस गैस के अगर कोई हम गैस किसी भी विलयन में द्रव में घोलते हैं, तो उसकी गैस की जो द्रव में विलयता होगी उसके आंशिक दाब के समानुपाती होगी किसके? गैस के। समझिएगा, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार मतलब हेनरी के नियम के अनुसार स्थिर ताप पर इसका जो टेम्परेचर है वो टी है, पर टेम्परेचर टी है वो कॉन्स्टेंट है, मतलब स्थिर है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है। गैस की, किसी भी गैस की द्रव में जो विलयता होगी, अगर हमने किसी भी गैस को उस द्रव में घोला, तो उस गैस की जो द्रव में विलयता होगी उस गैस का जो आंशिक दाब होगा उसी के समानुपाती, यानी कि जो गैस जो उसमें विलय होगी वो उसका आंशिक दाब जो होगा गैस का उसी के समानुपाती विलय होगी। ये बात हमें पता है। लेकिन हमने क्या किया, यदि माना हमने किसी गैस की जो द्रव में विलयता है उसको हमने एस से डिनोट कर देते तथा इसका आंशिक दाब है जो उसको हम पी मान लेते, तब क्या होता है? एस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल पी हो जाता है, यानी कि एक दूसरे के क्या है, किसी गैस के आंशिक दाब के समानुपाती होती है। ठीक है, अगला देखिए, हमारे क्या मतलब है इसका उपयोग क्या होते हैं। तो अगर हम इसी क्वेश्चन के उपयोग की बात करें, तो हेनरी का नियम जो होता है सोडा वाटर यानी कि शीतल पेय पदार्थ जो होते हैं उनमें CO2 की विलयता को बढ़ाने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, क्योंकि उसमें बोतलों को जो बंद किया जाता है उच्च सील पर या उच्च दाब पर बंद किया जाता है। आपने पेप्सी की बोतल खोली होगी, एकदम गैस निकलती है, उसमें CO2 गैस एकदम निकलती है, उसको उच्च दाब पर बंद किया जाता है हेनरी के नियम की सहायता से। ठीक है, अगला देखिए क्वेश्चन। देखिए बच्चों, अगला क्वेश्चन है कि परासरण दाब क्या है, यानी कि परासरण दाब के ऊपर हमसे पूछ रहा है। हमने जिन शब्दों के अंडर नीचे अंडरलाइन की, इनको आपको ध्यान से समझना है। परासरण दाब, दाब क्या मतलब होता है? प्रेशर। प्रेशर देखिए, आप किसी भी चीज को लगाएं तो वो दाब होता है। अगर हम गाड़ी रोकने के लिए दाब लगाते हैं तो उसको ब्रेक कहते हैं, जैसे हमने मोटरसाइकिल में ब्रेक लगाते हैं, कार में ब्रेक लगाते हैं। तो इसी प्रकार अगर हमें परासरण की क्रिया को रोकना है तो उसमें हमें ब्रेक लगानी पड़ेगी, दाब लगाना पड़ेगा, उसे ही परासरण दाब कहेंगे। सिंपल बात है, परासरण की क्रिया को रोकने के लिए जो दाब लगाया जाता है उसे ही हम परासरण दाब कहते हैं। क्या दिक्कत है? बिल्कुल आसान डेफिनेशन है, बिल्कुल सरल है। अगला देखिए, अगला है कि अर्धायुकाल, इसको हम लिखते हैं टी हाफ से। किससे लिखते हैं बच्चों? टी हाफ से लिखते हैं। किससे? टी हाफ से। अर्धायुकाल क्या होता है? देखिए, अर्धायुकाल क्या होता है? एक ऐसा समय होता है, क्या होता है बच्चों? एक वह समय जिसमें अविकारक, जो भी हमारा अविकारक होता है, क्योंकि हम अभिक्रिया में जब अभिक्रिया करते हैं उसमें अविकारक भाग लेते हैं और उत्पाद हमारा बनता है, तो उसमें जो अविकारक होते हैं, अविकारक की जो प्रारंभिक सांद्रता होती है, प्रारंभिक जब अविकारक की सांद्रता, अभी हम बात नहीं करें, अविकारक की जो सांद्रता कॉन्सेंट्रेटिव होती है, उस प्रारंभिक सांद्रता की, जो उसकी सांद्रता थी उसकी प्रारंभिक एक सांद्रता होगी, उस प्रारंभिक सांद्रता की जब आधी रह जाती है तो अभिक्रिया का अर्धायुकाल कहलाता है, इसे हम टी हाफ से प्रदर्शित करते हैं। इसके लिए हम एक सूत्र भी यूज करते थे, टी हाफ इक्वल टू के इक्वल टू बेग स्थिरांक इक्वल टू 0.693 अपॉन टी हाफ। इस पर हम न्यूमेरिकल भी करते हैं, रासायनिक बलगति का आपका चैप्टर का क्वेश्चन है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्या होता है बच्चों? लिपिड क्या होते हैं, इनका क्या कार्य होता है, यानी कि लिपिड क्या होते हैं और इनका कार्य क्या होता है। तो बच्चों, लिपिड क्या होते हैं? तेल और वसा का मिश्रण होता है। अगर हम तेल और वसा को जोड़ दें तो हमारा लिपिड बन जाएगा। तो वह वे तेल तथा वसा जो जंतुओं तथा वनस्पति से प्राप्त होते हैं। देखिए, तेल और वसा जो जंतुओं से भी प्राप्त हो और वनस्पति से भी प्राप्त हो, वे हमारे लिपिड कहलाते हैं। ये शरीर को ऊर्जा भी प्रदान करते हैं, ये शरीर के ताप जो होता है उसको भी नियंत्रण करने का कार्य करते हैं। तो ये इनके मेन कार्य हो गए।
अगला हमारा है बच्चों विद्युत लेपन को लेकर। देखिए विद्युत लेपन क्या होता है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। देखिए विद्युत अपघट जो होते हैं अपघट द्वारा एक धातु के ऊपर दूसरी धातु की परत चढ़ाने से आप देखते ऊपर सोने की परत अंदर लोहा निकलता है तो वो विद्युत लेपन की क्रिया द्वारा ही आप कंगन देखते हैं बाजारों में मिलते हैं 10 रुपए के सोने वाले बाद में काले हो जाते हैं या फिर वो पीतल के निकल आते हैं यानी कि लोहे के निकल आते हैं अंदर से तो विद्युत लेपन के द्वारा ही चढ़ाए जाते हैं। क्या होता है विद्युत अपघट द्वारा एक धातु पर दूसरी धातु की परत चढ़ाई जाती है यानी कि उस पर लोहा था उस पर सोने की परत चढ़ा दी गई उसका पानी फेर दिया गया तो परत चढ़ाई जाती है इस क्रिया को ही विद्युत लेपन कहते हैं। जैसे कॉपर धातु पर जिंक की पतली परत चढ़ाना है यानी कि इसकी विद्युत लेपन का ही उदाहरण है। तो बच्चों ये थे कुछ 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इनको आप डिस्कस कर लेना और भी सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लाते रहते हैं इसी चैनल पर तो इसीलिए अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। अगर आपको कोई डाउट कोई क्वेश्चन कोई क्यूरी है आपके 12th क्लास से लेकर तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो आई विल टेक नेक्स्ट क्लास तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।